से छह महीने में वहां पे होगा, जहां तक ना आज तक कोई जा पाया है ना आज तक कोई जा पाएगा। सिर्फ और सिर्फ सफल भारत, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओनली ऑन सफल भारत मार्केट में हर तरफ रहेगा, और इसके अलावा किसी का नाम निशान भी आपको नहीं मिलेगा, वो सब के सब मिट जाएंगे। सफल भारत आया ही लोगों को ऐसे, जितने भी फेक कंपनियां हैं, जितने भी लोगों को बर्बाद करने के लिए आता है, लोगों के इमोशन के साथ खेलता है, उसको मार्केट से ऐसे उजाड़ने के लिए आया है, और ये हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। लेकिन ये लोग उन लोगों का काम है, ये हम सब मिलके करेंगे जो कंपनी को सीरियसली लेके काम कर रहा है। जैसे मैं रात दिन जाग के आप लोगों के लिए काम करता हूं, 2 से 3 बजे जाग के सिस्टम में अपडेट करवाता हूं, जो जरूरी है वो सुबह उठ के लोगों को मिल जाए, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे लापरवाही की तरह करोगे तो उसके लिए कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप मैसेज करते रहिए, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन जो कंपनी का साथ है, जो कंपनी को दिल से चाह रहा है, जो कंपनी में दिल से काम कर रहा है, और वो अपना कम से कम तो 4 से 5 घंटा डेली कंपनी को देता है, सफल भारत को देता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मीटिंग भी अटेंड करता है, उसको हर एक चीज का नॉलेज है, टास्क भी सही से कंप्लीट करता है, वो कभी भी मैसेज नहीं करेंगे। मैसेज करना वो लोग का काम है जो कभी भी किसी भी चीज को ना गौर से देखेगा, ना ध्यान से देखेगा, ना मीटिंग में कभी आएगा। ये उन लोगों का काम है परेशान करना। तो अगर कंपनी आप लोगों के मैसेज से ही परेशान रहेगा तो वो अपना डेवलप कब करेगा? हेल्पलाइन नंबर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ आप लोगों का फालतू मैसेज से परेशान रहेगा, तो फिर जिसका एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसका कौन सॉल्व करेगा? तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि देखिए, अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं टास्क भी सही से कंप्लीट नहीं करूंगा, ना मीटिंग अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी होता है तो डायरेक्ट सीएमडी सर से कॉल पे बात करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, उसके काम में डिस्टर्ब करेंगे अगर वो कोई काम कर रहा है तो आप लोग एक बात याद रखिए कि कोई भी अगर अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हो, सफल भारत से ऊंचा समझते हो, तो आप जिधर भी हो उधर ही लगे रहो। सफल भारत आपके लिए नहीं है, सफल भारत उन लोगों के लिए है जिसके सपने है कुछ करने का जिंदगी में, कि जो कुछ करने का चाहत लेकर सफल भारत में आया है। अपने आप को सफल भारत से ऊंचा नहीं बल्कि सफल भारत से नीचे समझता है। मैं खुद कभी सफल भारत से ऊंचा नहीं समझता हूं, सब कुछ मेरे लिए सफल भारत है। मैं भी बस ऐसे ही बस सफल भारत में काम करता हूं, चाहता हूं कि सफल भारत को वहां पे लेके जाऊं जहां तक कोई आज तक गया ही ना हो। तो अगर आप लोगों में से किसी के भी दिल में ये आता है कि कुछ भी मतलब मैसेज कर दिए उसको और उसको लग रहा है कि मैं एक लीडर हूं और मैं कुछ भी मैसेज कर दूंगा चल जाएगा, या फिर कुछ भी मीटिंग अटेंड नहीं किया डायरेक्ट कॉल कर देंगे, डायरेक्ट मैसेज कर देंगे, तो ये सफल भारत में किसी का भी नहीं चलेगा। आप चाहे कितना बड़ा भी लीडर हो, यहाँ पे सबके लिए एक रूल्स है, ओनली वन रूल्स। चाहे कोई लीडर हो, मेंबर हो, चाहे कोई भी, आप आज ज्वाइन किए हो, आप 1 महीना बाद ज्वाइन किए हो, या फिर उससे जब कंपनी स्टार्ट हुआ तब ज्वाइन किए हो, रूल्स सबके लिए बराबर है। उस रूल्स को मैं भी फॉलो करता हूं। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे, जो जरूरी है वो काम करेंगे, तो आपको मैसेज करने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप जब टास्क कंप्लीट करते हो, तो मैं 2 बजे रात में जब टास्क अपडेट करता हूं, तो मैं फालतू नहीं हूं कि टास्क में कुछ भी लगा दिया। मैं टास्क में वही लगाता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखने का है। जो टास्क लगा हुआ है, बंदा वो टास्क कंप्लीट करके वही क्वेश्चन करता है हेल्पलाइन नंबर पे कि ये कैसे होगा, जबकि वो वीडियो टास्क में नहीं लगा हुआ, तो फिर देखते क्या हो। मैं जब गांव आ रहा था तो ट्रेन में भी रात में जाग के अपडेट करवा रहा था, किसके लिए करवा रहा था? आप लोगों के लिए है ना, लेकिन फिर भी आप लापरवाही करेंगे और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, मैसेज करेंगे, आप बहुत बड़ा लीडर समझते हो, तो यहाँ पे सफल भारत में लीडर मेंबर कुछ भी नहीं। रूल्स के नाते अगर रूल्स आप फॉलो करते हो, तो रूल्स सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो। बाकी हाँ, आपका बड़ा टीम है तो आप लीडर हो, लेकिन रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, बिना रूल्स का कुछ भी नहीं चलता, लापरवाही के चक्कर में सब बर्बाद होता है। तो जब मैं अपने आप कंपनी में सही से रूल्स फॉलो करता हूं, तो आप लोग भी सही से रूल्स फॉलो किया कीजिए। बाकी आप अभी देख पा रहे होंगे कि सिस्टम में किस तरह से ग्रोथ आ रहा है सिस्टम में, क्योंकि मार्केट में भी हर तरफ सफल भारत ही है, और सफल भारत का इतना ज्यादा वायरल होने का एक ही कारण है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को अपने सर पे नहीं बैठाया। सर पे वो बैठाता है जो पैसा दे के वीडियो बनवाता है। अभी सफल भारत के खिलाफ पैसा दे के वीडियो बनवा रहा है दूसरा कंपनी,
लेकिन सफल भारत के ये काम कभी भी नहीं है, ना आइंदा फ्यूचर में, ना लाइफ टाइम कभी भी ऐसा होगा कि मैं वीडियो बनवाऊंगा पैसा देके, कभी भी नहीं। आपको वीडियो बनाना है सफल भारत का, बनाइए। अगर आपको अच्छा बनाना है अच्छा बनाइए, बुरा लगता है बुरा बनाइए, बट आपको एक रुपए भी ना मिलेंगे ना एक आईडी मिलेंगे। आपको जिस तरह का वीडियो बनाना है बनाइए, अगर आप अच्छा बनाते हो तो अच्छी बात है, अगर बुरा बनाते हो तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपका ऑडियंस देखेंगे, वो सफल भारत के बारे में पता होगा, और जब YouTube पे सर्च करेंगे सफल भारत क्या है तो हजारों पॉजिटिव वीडियो मिल जाएंगे, उसको इंस्टेंट ज्वाइन कर लेगा कि ये बंदा बिल्कुल बेवकूफ है जो सफल भारत के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग कभी गलत नहीं हो सकता, एक से दो लोग अगर है तो वो ही बेवकूफ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, सफल भारत के चाहने वाले बहुत है, एक दो लोग अगर इसे नेगेटिव हो जाओ, एक दो लोग अगर कहीं पे चल जाओ, कोई मतलब नहीं। मैंने आज तक ना किसी को मना किया है, ना फ्यूचर में कभी मना करूंगा। आपका मर्जी, आप आजाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो सफल भारत में, बट रूल्स को फॉलो कीजिए। मैं हमेशा यही समझाता हूं। अभी क्या है, कुछ लोग बोलता था सफल भारत का एमसीए का सर्टिफिकेट नहीं, एमसीए, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी एमसीए से नहीं चलता, कंपनी 2-3 लाख रुपए प्रमोशन करवा देने से नहीं चलता, कंपनी पैसा दे के वीडियो बनवाने से नहीं चलता, कंपनी स्टार्टिंग में, कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुआ, एमसीए का डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट ले आए, उससे कंपनी नहीं चलता, उसके साथ भी कंपनियां भागता है। कंपनी चलता है विश्वास से, कंपनी चलता है वायरल से, कंपनी चलता है रिस्पॉन्स से, कि कंपनी में रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कंपनी चलता है सीएमडी का बैकग्राउंड से, कंपनी चलता है सीएमडी के सोच से, कंपनी चलता है उसके ऑनर के माइंडसेट से, कि आखिर वो चलाना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, बंदा किस टाइप का सोच रखता है, आगे फ्यूचर में इसका प्लानिंग क्या है। ये इस सोच के साथ प्लान वायरल होता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि सफल भारत का कमाल, कि मैंने आज तक ना किसी लीडर पे ध्यान दिया, ना मेंबर पे ध्यान दिया, आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि जसीम भाई या फिर जसीम सर ने कोई मुझे कॉल करके बोला है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर लिंक मेरे पास सेंड किया है, कभी भी नहीं, मैं आज तक ना किया हूं ना कभी भी करूंगा। और यही एक कारण है कि इतना ज्यादा ये प्लान वायरल है, क्योंकि मैं अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देता हूं। जो 1 घंटे लीडर को मनाने में लगाऊंगा, जो 1 घंटे मैं लोगों के वीडियो के जवाब देने में लगाऊंगा, जो 1 घंटे नेगेटिव लोगों का, जिसका माइंडसेट ही नेगेटिव है, वो पैसा लेके नेगेटिव वीडियो बना रहा है, उसको समझाने के पीछे लगाएंगे, उससे बेटर है कि वो 1 घंटा अपने डेवलपमेंट में लगा दे। अगर डेवलप होगा कंपनी, आज मान लीजिए जब से एमसीए आया है, तब से जितने भी लोग वेट कर रहा था कि एमसीए कब आएगा, तब से ज्वाइन करेंगे, जब से एमसीए आया तब से कंपनी में और ज्यादा क्राउड बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? अगर मैं उन लोगों को मनाता तो आज वो क्राउड नहीं आता, लेकिन मैंने उन लोगों को मनाया नहीं, मैं बस अपने काम पे फोकस करता हूं। जो बोल रहा था एमसीए एमसीए एमसीए, उसके मुंह पे एमसीए देके मारा। आज देख पा रहे होंगे कि आप एमसीए पकने वाला का मुंह बंद हो गया, और जिसको एमसीए चाहिए आज वो कंपनी में ज्वाइन कर लिया, और सफल भारत कर रहा है। भाई सफल भारत से कोई नहीं बच सकता। सफल भारत पूरे इंडिया में जिस तरह से वायरल हो रहा है, ये हर तरफ फैल जाएगा, और पूरे इंडिया में ओनली वन सफल भारत ही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वो आएंगे और आप लोगों को अच्छा अच्छा मोटिवेशन वीडियो देंगे, 2-3 लाख रुपए प्रमोशन में खर्च करेंगे, 2-3 यूट्यूबरों को पकड़ेंगे और उससे वीडियो बनवाएंगे, बाकी कुछ पैसे एमसीए में लगवा देंगे, कुछ पैसे इधर उधर लगवा देंगे, 5-6 लाख रुपए खर्चा कर दिया स्टार्टिंग में, वो कंपनी लेके आ गया, और जब तक वो आपका 5-6 लाख आपसे नहीं लेगा, तब से आपको सही से वीडियो नहीं देगा, और बस 2-4 महीने कंपनी ऐसे फरार। क्यों फरार होगा? क्योंकि वो नहीं चला पाएगा, वो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करता है, और उसके साथ साथ उसका कोई इनकम जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो अपना SB799 गैलरी आया है, जिसमें वो समझ लीजिए आपका सफल भारत का म्यूजियम है। आप कोई भी रैंक अचीव करते हो या फिर कोई भी अचीवर, वो सफल भारत का प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे SB799 गैलरी, वो ओपन होगा, और उसमें सिर्फ अपना नाम सर्च करके, अगर आप अपना नाम सर्च करते हो तो उससे आपका बैनर सबसे ऊपर में आ जाएगा, कहां पे? प्ले स्टोर पे। तो आपको पता है कि जो सफल भारत का 799 गैलरी है, उसका इनकम जनरेटिंग सिस्टम क्या होगा? 5-10 लाख
सॉरी 5 से 10 हजार या फिर 15,000-20,000 तक अगर उसका डाउनलोडर हो जाता है तो कई लाख रुपए उस एप्लीकेशन से इनकम जनरेट होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये आपके काम का है, लेकिन जैसे फेसबुक करता है, जैसे यूट्यूब करता है, जैसे अदर एप्लीकेशंस करता है कि वो आप लोगों को फायदा दिखाता है बट वो उससे इनकम जनरेट करता है। प्ले स्टोर आपसे कभी पैसा मांगा है लेकिन वो इनकम जनरेट करता है, यूट्यूब कभी आपसे पैसा मांगा है लेकिन वो इनकम जनरेट करता है, दुनिया भर का एप्लीकेशन जो आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगता लेकिन वो इनकम जनरेट करता है। तो ये सब होता है तरीका, ये सब होता है दिमाग। आपके पास 10 लाख का कम्युनिटी है बट होता कुछ नहीं, वो कम्युनिटी बर्बाद कर दिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेवकूफ लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकता। कंपनी चलाने के लिए माइंड होना चाहिए और माइंड सेट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि कंपनी चलेगा कैसे। सिर्फ कंपनी स्टार्ट कर दिया, मेरे पास इतना कम्युनिटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं होता, बर्बाद। वो कम्युनिटी चाटना है, वो कम्युनिटी को यूज ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। तो मुझे आता है कि कम्युनिटी को यूज कैसे करना है। वो एप्लीकेशन जैसे आएगा उससे 10 से 15 हजार डाउनलोडर होंगे और उससे लाखों में इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा अपने एप्लीकेशन से। बाकी अपना यूट्यूब का जो इनकम है वो तो अभी हो ही रहा है सब्सक्रिप्शन से, उसके अलावा अभी कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज होने वाला है। जैसे ही मोनेटाइज होगा उस पर पता है व्यूज अच्छा खासा आता है, और वो व्यूज कम आने का कारण है आप लोगों का ढंग से टास्क नहीं करना। मैं हमेशा समझाता हूं कि कम से कम 1 मिनट टास्क कंप्लीट कीजिए। अगर आप 1 मिनट नहीं करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 मिनट सही से नहीं देखेंगे, पहले आके टाइमर पे खड़ा रहते हो तो ठीक है आप कीजिए, लेकिन हो सकता है कि जब हम उसको 20 टास्क कर देंगे फिर आपको लग जाएगा बुरा कि 20 टास्क कर दिया है। तो इसके लिए मैं कभी भी नहीं चाहता कोई भी चीज चेंज करूं। जो 5 टास्क है 5 ही रहे बट उसको ढंग से देखिए आप लोग, पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए या फिर कम से कम तो 1 मिनट जरूर देखिए। इससे क्या होगा, कंपनी का इनकम जनरेट होगा। अभी जैसे कंपनी का चैनल मोनेटाइज होता है, वो मोनेटाइज होने वाला ही, जैसे चैनल मोनेटाइज होता है आप समझ लो पर डे का इतना व्यूज आना, एक वीडियो पे अगर 20,000 व्यूज भी आए तो 5 वीडियो पे 1 लाख व्यूज। आप समझ सकते हो कि वो 1 लाख व्यूज का जो यूट्यूबर है उससे पूछ ले जाके कि इनकम क्या होता है 1 लाख व्यूज का। और जैसे जैसे अपना कम्युनिटी बढ़ेगा वैसे वैसे अपना और ज्यादा अभी टास्क में व्यूज आएंगे, और जितना ज्यादा व्यूज आएगा उतना ज्यादा लाखों में करोड़ों में कंपनी इनकम जनरेट करेगी। तो ये इनकम जनरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे मनी रोटेशन नहीं है, फुल्ली मनी रोटेशन कि आपका पैसा आ रहा आपको दूसरे को दे रहा है। अगर ये होता तो अब तक सफल भारत भी बर्बाद हो चुका होता, कब का ही निकल चुका होता। लेकिन जो मैं हमेशा गारंटीड के साथ बोलता हूँ कि सफल भारत लाइफ टाइम चलेगा, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसको मैंने वैसा सिस्टम बनाया है। और वही कारण है कि आज जितना ज्यादा दिन हो रहा है सफल भारत का, जैसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, ये सफल भारत उतना ज्यादा और मजबूत और स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि इसका सिस्टम ही वैसा ही है। ये अगर औरों के जैसा होता, दिखने में ये औरों के जैसा है, ये आपका भूल है, क्योंकि आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, आप टास्क वीडियो सही से नहीं देखते, यूट्यूब पे कभी सर्च नहीं करते हो, इसके लिए लगता है कि जैसे दूसरे प्लान गया वैसे ये भी है। अगर वैसे होता तो अब तक उड़ चुका होता, लेकिन आज ये इतना स्ट्रांग होने का कारण ही यही है, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग सिस्टम है। अभी MCA भी रजिस्टर हो गया है, और जैसे जैसे कंपनी डेवलप कर रही वैसे वैसे ये कंपनी और ज्यादा ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। और कोई भी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें 4 से 5 महीने में हालत खराब होता है, लेकिन ये 3 महीने में, अभी 3 महीने होने वाला है, 3 महीने में सिस्टम और ज्यादा मतलब कि डबल ट्रिपल चौपल स्ट्रांग होता जा रहा है। तो स्ट्रांग होने का कारण ही यही है, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग सिस्टम है, और उसके साथ साथ इसको जो मैंने बनाया है, जिस माइंडसेट के साथ बनाया है, अगर आप लोग सही से सपोर्ट करो कंपनी का, अगर आप लोग कम्युनिटी लेके आओ और टास्क सही से देखो और बाकी डेली मीटिंग अटेंड किया करो, तो आप लोगों को हर एक चीज का नॉलेज होगा। आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करता है आप उसे इंस्टेंट चुटकी में जवाब दे पाएंगे। आपको कोई भी मेंबर, किसी को भी आप प्लान दिखाते हो, आपको वो कभी भी मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से लोग टीम खड़ा कर रहा है सफल भारत में, एक एक बंदा 80 डायरेक्ट कर चुका है, 70 डायरेक्ट कर चुका है, 50 डायरेक्ट कर चुका है, 40 कर चुका है, ये कैसे कर रहा है, क्योंकि वो एक्टिव रहता है, मीटिंग में रहता है। आप एक डायरेक्ट के लिए रोते हो मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, टास्क वीडियो सही से नहीं देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखेंगे, कंपनी के प्लान सही से नहीं समझेंगे, ऐसे आम प्लान की तरह समझते हो और बोलोगे फिर मेरा ये नहीं हो रहा है।
मेरा ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहा हूं। तो आप अगर सही से प्लान को समझ लेते हो, जितने भी लोगों ने आज तक सही से प्लान को समझ लिया है, आज वो अच्छा खासा पर डे का इनकम ले रहा है। अभी एक कुणाल यादव है, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था और वो बोल रहे थे कि सर मेरा जितना टीम है, मतलब 1600 का टीम है लेकिन 1500 डेली का इनकम है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई यही कारण है, यही तो सफल भारत है जो सबसे अलग है। सफल भारत में कुछ खास है, लोगों को लाता है इनकम दिखा के। कोई भी कंपनी आए डेली 100 रुपए, डेली 200 रुपए, डेली 400 रुपए, एक डाइट पे इतना और वो 2 महीने में बर्बाद। लेकिन सफल भारत आया है इनकम कम दिखा के, क्योंकि अभी जो मार्केट का हाल है वो लोगों को डेली 10,000 नहीं चाहिए, डेली 30,000 नहीं चाहिए, डेली अगर 1,000 भी, 500 भी इज्जत के साथ उसको मिल जाए तो उसका घर परिवार अच्छा चलता है, वरना 1 महीने में कार, दूसरे महीने में रोड पे। अभी ज्यादातर कंपनियां यही करता है लालच के चक्कर में, और लोग लालच के चक्कर में आके फंस जाते हैं। तो सफल भारत में यही खासियत है कि जैसे 1500 का टीम होता है तो 1300-1400 इनकम आता है, 1600-1700 आप टीम बना लीजिए तो उससे कम ही आपका इनकम आ जाएगा, क्योंकि रुक जाता है, कैपिंग लग जाता है। और डेली का सिर्फ 4,000 इनकम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। डेली 30,000, डेली 40,000, डेली 50,000, और 2 महीने में जब बर्बाद होंगे तो फिर अपने डाउनलाइन से लात खाओ। बात सुनो, ये सफल भारत कभी भी नहीं करेगा। आपने टीम बना लिया है तो आपका टीम यहाँ पे अमर हो जाता है, आपने टीम बना लिया है तो आपका टीम बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वो कभी भी नहीं टूटेगा और उस टीम से आप लाइफ टाइम इनकम करते रहेंगे। तो ये खासियत है सफल भारत का कि कैपिंग भी जबरदस्त है, इनकम जनरेटिंग सिस्टम है, प्लान दिखने में लगता है औरों जैसा लेकिन उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है। तो अगर आप प्लान को सही से समझ लेते हो तो आप डेली बहुत ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे, डेली के डेली आप बहुत बड़ा टीम बनाएंगे। बट आपको समझना होगा, आप कंपनी में जॉब करते हो, कहीं भी जॉब करेंगे, 8 घंटा के कीजिए या फिर 10 घंटा के कीजिए, 12 घंटा के कीजिए, दिन रात लगे रहेंगे, ऊपर से बॉस आएंगे अलग से, उससे जार सुनो, बात सुनो, कुछ भी आपको देख लिया, मोबाइल छेड़ रहे हो लगा दिया दो, और आप सुनेंगे बल्कि सर भी झुका लेंगे, लेकिन फिर भी आप वहीं पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका बिजनेस है, उस पर आप ध्यान दे रहे हो। क्यों ध्यान दे रहे हो? क्योंकि ये मेरा काम है। लेकिन सफल भारत तो आप मजाक समझ के रखे हो, ना मीटिंग अटेंड करोगे, ना टास्क सही से कंप्लीट करोगे, मजाक समझ के रखे हो कि कुछ भी सही से करना नहीं है, बस इनकम तो आ ही रहा है। कुछ भी होता है मैसेज कर दो, तो इसके लिए मैसेज अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला 2 से 3 घंटे में, समझ लीजिए आप बकवास मैसेज किए हो, फालतू। अगर आपका जेन्युइन मैसेज होगा, जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, आई चैलेंज। तो आज से आप लोग ये बात ध्यान में रख लीजिए कि कहीं भी आप 8 घंटे काम करते हो तो जम के काम करते हो, 400 आप डेली का कमा रहे हो। आप कहीं भी लेबर का काम कर लेते हो तो 400 रुपए आपको डेली भी मिलता है ना, तब भी आप 8 घंटे जम के काम करते हो। कोई मजाल नहीं है कि आप उसको काम को छोड़ सकते हो। 1 घंटा के लिए तो दूर के बात है, 1 मिनट के लिए आप आराम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे आप डेली का 1500 लेंगे, 1000 लेंगे, बट आप काम क्या करेंगे? मीटिंग में टाइम नहीं है, क्योंकि आप इसको सीरियस लिए ही नहीं हो। अगर आप सीरियस ले लेते हो इसको तो आप डेली का इतना बड़ा टीम बना पाओगे कि कोई सोच भी नहीं सकता, बट पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। आप पेशेंस के साथ आज से सफल भारत में काम स्टार्ट कीजिए, 2 दिन के अंदर आपका 100% चेंजिंग, 100% आपका टीम में ग्रोथ नजर आएगा। आप इस पे ध्यान तो दीजिए। मैं कितना सारा ऐसे लीडर को देखता हूँ सफल भारत में, जो ना मुझसे कभी बात करता है, ना कभी मैसेज करता है, बट वो डेली फ्रेंचाइज लेता है, डेली 15 ID, 20 ID, 25 ID, 50 ID, और डेली वर्क कर रहा है और टीम का पहाड़ खड़ा कर दे रहा है, जबकि ना मुझसे कभी बात करता है ना और कुछ। लेकिन कुछ आया अभी, CMD सर से बात करा दीजिए, ज्वाइन करने से पहले बात करेंगे। भाई YouTube पे वीडियो देखिए, हजारों वीडियो पड़ा है, अगर आपको सही लगता है, पसंद आता है, ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए। CMD सर से बात करने के लिए इतना सारा लोग है, क्या लगता है पॉसिबल है ये? आपको लगता है कि हम अकेले कॉल कर रहे हैं, अकेले मैसेज कर रहा हूं, बट ये अकेले नहीं होता, दुनिया भर का कॉल और मैसेज आता है। तो अगर आपको प्लान पसंद है तो कीजिए, नहीं पसंद है That's all. कोई जरूरत नहीं, आप मत कीजिए। जिस दिन आपको पसंद आएगा, जिस दिन आपको लगेगा करना है, उस दिन ही कीजिए।
मैंने आज तक किसी को ना जबरदस्ती किया है ना लाइफ में कभी भी करूंगा। आपका मर्जी, कीजिए कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। ये मैं दूसरी कंपनी की तरह नहीं हूं, पैसे दे के लाऊंगा, ऑफर दे के लाऊंगा, नो ऑफर ना किसी को मैं आज तक बोलूंगा। आपको करना है, अच्छा लगता है, कीजिए। और ये मेरा प्रॉमिस है जो मैंने सबसे किया है कि एक दिन जितने बड़े से बड़े नेटवर्कर है, आरओआई प्लान करने वाले, या फिर जितने बड़े से बड़े लीडर है, सब के सब सफल भारत में नजर आएगा। ये चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तीसरा महीना होने वाला है, 4 महीने के अंदर अंदर सब लोग आपको सफल भारत में नजर आएंगे। दूसरे जगह बर्बाद ही होंगे, कहां आएंगे? सफल भारत में आएंगे, क्योंकि सफल भारत हमेशा सबका वेलकम करता है, हमेशा मोस्ट वेलकम करता है। और सफल भारत में सब के लिए एक रूल से, लीडर्स मेंबर्स कोई भी हो यहाँ पे, सबके लिए एक रूल से, कंपनी भी उस रूल्स को फॉलो करती है। सफल भारत का जो भी रूल्स है उसको सबको फॉलो करना होगा। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, जो मैं आप सबके लिए कर रहा हूं, जितना ज्यादा मेहनत आप सबके लिए कर रहा हूं, दिन रात एक कर दे रहा हूं आप सबके लिए, कि किसी तरह से जो इंडिया में इतना ज्यादा बेरोजगारी है इसको दूर किया जाए डिजिटल रेवोल्यूशन के जरिए, कि मैं इंडिया में एक ऐसे डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आऊं जिससे लोगों का सपना पूरा हो। कोई जरूरत नहीं कि लोग एक महीने में कार खरीद ले, 2 महीने में बाइक खरीद ले, वगैरह वगैरह कुछ भी खरीद ले, कोई मतलब नहीं है। डेली का आप जितना बड़ा भी टीम बना लीजिए, डेली का 4,000 रुपए इज्जत के साथ इनकम कीजिए, घर परिवार चलाइए, बहुत अच्छा बात है। आप कहीं भी जाके फंसेंगे, डेली 30,000 रुपए इनकम कीजिए, एक महीना कीजिए, दूसरे महीना लात खाइए लीडर से, अपने मेंबर से, जो भी आपका डाउनलाइन है बोलेंगे, बात सुनाएंगे। तो इसके लिए मैंने किसी को भी झूठा सपना नहीं दिखाया है, जो है सच बताया है और हमेशा सच ही बताऊंगा। आगे आप लोगों की मर्जी, ना मैं कभी झूठ बोलूंगा ना किसी को जबरदस्ती करूंगा। जो है कंपनी के बारे में हकीकत रियलिटी, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बस अपने कंपनी के डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और वो मैं करता रहूंगा, लोग खुद से आते ही रहेंगे। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि कहीं भी अगर मान लीजिए समंदर में 2 नाव लगा है और 1 नाव का सर्विस सही नहीं है, दूसरे नाव का सर्विस सही है, और लोगों को पता है दूसरे नाव जिसका सर्विस सही नहीं है, वो जितना भी बुला ले बंदा उसके पास नहीं जाएगा, पता है कि ये बीच में बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन जो सही है उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो लोग ऑटोमेटिक जाएंगे उसके पास कि बंदा इसका सर्विस सही है। तो वह अपना डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा। आप कुछ भी बोल लीजिए कंपनी के बारे में, अच्छा लगता है अच्छा बोलिए, बुरा लगता है बुरा बोलिए, मैं हमेशा अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देते आया हूं और लास्ट तक, लाइफ टाइम तक अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा। एक पे एक काम करूंगा, अलग अलग एप्लीकेशन लेके आऊंगा और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देके मैं इनकम जनरेट करूंगा, ताकि आप लोगों का कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और फिर लोगों को क्या चाहिए, लोगों को यही तो चाहिए कि डेली इज्जत के साथ विड्रो मिले, लोग खुद आएंगे। तो वो मैं वही करूंगा कि अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा, हमेशा अपने डेवलपमेंट में मैं ध्यान देता हूं और ध्यान देता ही रहूंगा। बाकी आप लोग भी कंपनी में काम कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कीजिए, ताकि आपको भी काम करने में मजा आए। अभी मैंने जितना बात बोला है इसको अगर आपने अपने ध्यान में रख लिया, अगर अभी भी आप ऐसे लापरवाही की तरह मीटिंग भी सुन रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन जितना बात मैंने बोला है अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप 5 दिन के अंदर अपने आप में चेंजिंग पाएंगे, अपने टीम में चेंजिंग पाएंगे, आपका टीम में अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा अगर आपने इन सब बातों को फॉलो किया है। बाकी किसी को लगता है, लास्ट बात जो मैं बोल के एंड करने वाला हूं, बिल्कुल एंड पॉइंट है, पहले मैं देख लेता हूं अभी, चलिए 472 लोग है, ये मेरा एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जो मैं बोल के खत्म करने वाला हूं। कुछ लोगों को लगता है जो बोलते हैं कि सर मेरा मजाक बनाते हैं, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि सर मेरा वो पुराने कंपनी में ये हो गया था, फिर ये कंपनी में लोग ये बोल रहे हैं, तो देखिए ये सब कभी भी मत सुनाइएगा, कभी भी नहीं कि पुराने कंपनी में मेरा टीम टूटा है या फिर ये हो गया है। मैं आपको एक बंदे का कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है एलोन मस्क। और जब भी मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है, जब भी मैं लगता है मुझे कि यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मैं उस बंदे को याद कर लेता हूं जिसका नाम है एलोन मस्क। आज उसके टक्कर में दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है, ना फिर आ सकता है, अभी बहुत दिन तक पता नहीं कोई आ सकता है भी या नहीं।
कि जिस तरह का वो कर दिखाया है, लेकिन उसका आप हिस्ट्री कभी पढ़े हो, क्या एलोन मस्क अचानक से दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया? पहला रॉकेट बनाया है, रियूजेबल रॉकेट। रॉकेट तो पहले बहुत था दुनिया में, लेकिन उसका काम था, उसे लगा कि मैं वो रॉकेट बनाऊंगा जो वापस से यूज हो सके, जिसका नाम है रियूजेबल रॉकेट। उसको उसने पहली बार बनाया, आसमान में भेजा फाइल, दूसरी बार बनाया फाइल, तीसरी बार बनाया फाइल। रॉकेट का बात कर रहा हूं, ये कोई चाइनीज का खिलौना का बात नहीं कर रहा हूं। रॉकेट जो आसमान में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, तीसरा बार फेल हुआ। लेकिन क्या करता अगर वो एलोन मस्क हार मान के बैठ जाता, तो आज वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। और सबसे अमीर इंसान नहीं, बल्कि दूसरे नंबर पे जो आता है अडानी साहब हमारे इंडिया का, वो उसका आधा संपत्ति का मालिक है, डबल एलोन मस्क। तो आप सोच सकते हो, एलोन मस्क अगर तीसरे रॉकेट फेल्ड होने के बाद ऐसे आराम से बैठ जाता, तो आज क्या वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन पाता? उसने चौथा रॉकेट उड़ाया, जबकि उसका मजाक बनाया था, रशिया गया था मदद मांगने के लिए, बंदे को ठुकरा दिया। बहुत जगह उसने मदद मांगा, बट सब ने उसको मजाक बनाया कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं माना। वो क्या किया, चौथा रॉकेट बनाया और आसमान में भेज दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया। और जैसे ही जाके सक्सेस हुआ, सफल हुआ, आज पूरा दुनिया उसको सलाम करता है और रियूजेबल रॉकेट यूज करता है सब। किसका देन है? एलोन मस्क का देन है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कभी भी हार मान लेते हो, तो आप जहां हो अपने स्थान से, अपने प्लेस से और 2-3 साल पीछे चल जाएंगे। लेकिन जिंदगी में आए किस लिए हो? लड़ने के लिए। जिंदगी में आए किस लिए हो? परिस्थितियों से लड़ने के लिए। जिंदगी में किस लिए आए? कुछ करने के लिए, वरना ऐसे आए वैसे मर गया, क्या फायदा है? तो जब कभी भी आपको लगे कि यहां पे परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, कठिन समय है, वहां पे आप एक बार एलोन मस्क को याद कर लीजिए, फिर ऐसे लोगों को याद कर लीजिए जो बंदा कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ा है, तो आप कभी भी याद नहीं करेंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगेगा। बस लोगों को नजरअंदाज करते हुए सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग। आज अगर मैं लोगों का देखता, लोगों की बातें सुनता, तो आज इतना बड़ा कंपनी खड़ा नहीं कर पाता। तो आपको भी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, 100% इग्नोर कीजिए, और चल पड़िए अपनी मंजिल की तरफ कि मुझे ये करना है तो करना है। आप गोल सेट कर लीजिए कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। आपको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता, सिर्फ आप खुद को रोक सकते हो। आप अगर अपने आप को रोक दिए तो वो आपका गलती है। अगर आप अपने आप को पुश करते रहे, आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। आई चैलेंज। तो बस आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। बस इसी के साथ आज मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। जितने बातें मैंने बताया है, उसको बिल्कुल अपने दिल में रखिए, दिल में बैठा लीजिए कि मुझे आज से इसके ऊपर अमल करना है। जो जसीम सर ने, जसीम भाई ने, आप जो भी समझते हो, उसको अपने दिल में लेके बिल्कुल मान लीजिए कि मुझे आज से ये फॉलो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। हम लोग सफल भारत को वहां पे लेके जाएंगे जहां तक ना आज तक कोई गया है, ना कोई जा भी सकता है इस प्लान को लेके। तो बस हम सबको हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ना है, और करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सबको इन सब बातों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। आज मैं मीटिंग को यहीं पे खत्म करता हूँ, यहीं पे अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद।